हाल पर पार्टी तर्जमानों का इजलास तलब कर लिया। इजलास कुछ देर में वजीर आजम हाउस में होगा। जराय का कहना है कि इजलास के दौरान सिंध हाउस में हॉर्स ट्रेडिंग से मुतालिक रिपोर्ट से आगाह किया जाएगा। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास में मेंबरान असेंबली की खरीदो फरोख्त की तफसीलात पेश। सिंध पुलिस के अहलकारों की सिंध हाउस में मौजूदगी पर ब्रीफिंग। सिंध हाउस को हॉर्स ट्रेडिंग की आमाजगाह नहीं बनने देंगे। इजलास में इत्तेफाक। मुतालिका इदारों को कार्रवाई के लिए कानूनी पहलुओं का जायजा लेने की हिदायत। शुरका की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाने की तजवीज। मुनहरिफ अरकान को राजी करने का टास्क परवेज खट्टर और शाह महमूद कुरैशी को दे दिया गया। सिंध हाउस में खरीदो फरोख्त की मंडी लग गई। सिंध पुलिस के 300-400 एहलकार तैनात कर दिए गए। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद सिंध हाउस के मामले पर फट पड़े। कहा डीआईजी मकसूद मेमन नफरी लेकर आए हैं। 12 बंदों के मामले पर सिंध तसादुम की तरफ ना जाए, झाड़ू फिर जाएगा, फिर हाथ मलते रह जाएंगे। इमरान खान के सपोर्टर्स ने चूड़ियां नहीं पहन रखी। पार्लियामेंट लॉजिस में हमारे एमएनएस पर हमला किया गया। अरकान ने दरखास्त की हमें सिंध हाउस में रखा जाए। कानून के मुताबिक अपने मेंबरान को सिंध हाउस में रखा। अपोजिशन लीडर सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा सैफ कस्टडी का मतलब ये नहीं कि यरगमाल बनाया हुआ है, हम ऐसे नहीं इनकी धमकियों में आ जाए। वजीर आजम और वफाकी वजीर असद उमर की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर आजम को दरखास्त पर बायोमेट्रिक का एतराज दूर करने के लिए एक दिन की मोहलत दे दी। आप बायोमेट्रिक का एतराज दूर करें, कानून सबके लिए बराबर है। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। कहा सहूलत दे सकते हैं, बायोमेट्रिक की शर्त खत्म नहीं कर सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डी चौक पर जलसे और एहतजाज रोकने से मुतालिक केस की समाअत हुई। किसी शहरी या पार्टी को बुरअम एहतजाज से नहीं रोका जा सकता। बदअमनी हुई तो वजीर दाखिला से डिप्टी कमिश्नर तक सब जिम्मेदार होंगे। अदालत की इंतजामिया को मुकम्मल जिम्मेदारी से फैसला करने की हिदायत देते हुए दरख्वास्त निपटा दी। इस्लामाबाद में सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने पार्टी की जनरल काउंसिल का इजलास तलब कर लिया है। इजलास 20 मार्च को मरकजी सेक्रेटरीट में होगा। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज और दीगर रहनुमा इजलास से खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा में 4 बड़े जलसों का ऐलान कर दिया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी चित्राल, अपरदीर, मालागंज और कुरम एजेंसी में होने वाले जलसों से खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो चित्राल में 20 मार्च से इतवार को जलसे आम से खिताब करेंगे। ऑस्ट्रिया के वजीर खारजा का दौरा पाकिस्तान। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी ने कहा पाकिस्तान और ऑस्ट्रिया के दोस्ताना ताल्लुकात हैं। ऑस्ट्रियन वजीर खारजा ने पाकिस्तान में शानदार इस्तकबाल पर वजीर आजम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा पाकिस्तान के साथ बहुत से मामलों पर बातचीत जारी है। और अमरीकी डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है। तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पहली बार इंटर मार्केट में डॉलर 180.10 रुपए का हो गया। माहिरों ने बढ़ता तजारती और करंट अकाउंट खसारा रुपए की कदर में कमी की वजह करार दे दिया है। माहिरों का कहना है कि स्टेट बैंक की जानिब से रुपए की कदर में इस्तेहकाम लाने के इकदाम नजर नहीं आ रहे हैं।